हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और आप लोग की दुआ से तो मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। गाइस, अगर आपके चेहरे पे ग्लो चली गई है, यानी कि आपके चेहरे पे ग्लो एकदम ख़त्म सी हो गई है, और आप चाहते हैं कि मेरा चेहरा पहले की तरह ग्लो करने लगे और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाए, फेयर हो जाए। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपके चेहरे पे ग्लो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब आपकी स्किन पे कोई भी ग्लो नहीं है, ना ही स्किन आपकी चमकदार है, तो मैं आज आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप दोबारा से अपनी स्किन पर ग्लो ला सकते हैं, और आप अपने डल स्किन से छुटकारा पा भी सकते हैं, और आप अपनी स्किन को फेयर बना सकते हैं। मैं आज आपको जो टिप्स बताने वाली हूँ, ना ही ये किताबें बातें हैं और ना ही गूगल से पढ़ा हुआ ये टिप्स है गाइस। ये टिप्स मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैंने ये खुद बखुद अपने चेहरे पे यूज किया, और डेफिनेटली गाइस मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गाइस, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, फिर विंटर आते ही मेरी स्किन बहुत 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 ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब जाके मेरी जो दादी थी, उसने कहा कि क्यों ना तुम अपने फेस पे बकरी का दूध लगाती हो, मतलब गोट मिल्क। तो मैंने दादी से पूछा कि गोट मिल्क लगाने से होता क्या है, तो मेरी दादी ने कहा कि हम लोग पुराने ज़माने में अपने चेहरे पे जब हमारी स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती थी, तो हम अपने स्किन पे गोट मिल्क यानी बकरी का दूध लगाते थे, जिससे हमारी स्किन ग्लो भी करती थी और हमारा स्किन जो ड्राई था वो हट भी जाता था, और हमारी स्किन पे अगर दाग धब्बे थे वो भी हट जाते थे। गाइस, बकरी के दूध में पाया जाता है कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आपकी स्किन को ड्राइनेस को ख़त्म करती है। अगर आपकी स्किन पे दाग धब्बे है तो उसको भी हटाती है, साथ ही आपकी स्किन को फेयर भी बनाती है, और आपकी स्किन पे ग्लो चला गया यानी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है और ग्लो का नामो निशान नहीं है, तो आप अपनी स्किन पे फिर से दोबारा अपनी स्किन पे चमक हुआ निखार और वो ग्लो ला सकते हैं गाइस। तो ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एक टिप्स है गाइस, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी गाइस। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप अपने चेहरे को सुबह उठ करके या शाम को सोने से पहले अपने फेस को वॉश तो करते ही होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको बकरी का दूध ले लेना है जो मैंने लिया है। गाइस, आप चाहे तो गाय का भी दूध ले सकते हैं, मेरे पास बकरी का दूध अवेलेबल है तो मैंने ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप गाय का भी दूध ले सकते हो। गाइस, आप ध्यान दें कि आपके चेहरे पे किसी भी तरह का मेकअप ना हो, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर ले, फेस वॉश की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप अपने फेस को वॉश कर ले। आप उसके बाद आप एक कोटा ले लें और बकरी के दूध में आप अच्छे से डुबो लें, उसके बाद अपने फेस पर अप्लाई कर लें। गाइस, आप इसे एक मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने छोड़ दें। गाइस, एक मिनट होने के बाद अपने फेस को नॉर्मल वाटर से धो ले। गाइस, मैं धो के अभी आती हूँ। अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है, देख लीजिए आप। आप इस टिप्स का रोज़ फॉलो करते हो तो आप खुद बखुद नोटिस करोगे कि आपकी स्किन पे एक अलग सा ग्लो आ गया है, चमक आ गया है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेयर भी दिख रही है, ब्राइट भी हो गई, साथ ही आपकी स्किन डल भी नहीं दिख रही और ड्राई भी नहीं दिख रही है। ये तो हो गया रोज़ का टिप्स कि आपने अपने फेस को वॉश किया और एक मिनट के लिए बकरी का दूध या गाय का दूध आपके पास जो भी है अवेलेबल है वो आप एक मिनट के लिए अपने फेस में लगाए रहने दें, उसके बाद आप धो लें। अब दूसरे टिप्स की बात करते हैं, तो गाइस अगर आप ये रोज़ टिप्स नहीं कर पाओगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको और एक टिप्स बता देती हूँ जो वीक में एक बार आपको करना होगा। उसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच मैदा ले लें। मैदा आपकी स्किन को इंस्टेंटली निखार देती है, मैदा में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, मैदा आपकी स्किन के सेहत को दुरुस्त बनाती है, मैदा आपकी स्किन के सनबर्न को हटाती है, पिंपल्स को हटाती है, रिंकल्स को हटाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर करती है मैदा।
उसके बाद आप इसमें 2 चम्मच बकरी का दूध ऐड कर ले गाइस। अगर आपके पास बकरी का दूध नहीं है तो आप गाय का भी दूध ऐड कर सकते हैं इसमें 2 चम्मच। अब आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर ले गाइस। अब आप इसमें 1 चम्मच शहद, अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें गैस। मैंने अपना फेस पैक अच्छे से रेडी कर लिया है, मिक्स कर लिया, आप देख लो। अब हम इसे अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं। गैस आप ध्यान दो कि जब भी कोई फेस पैक लगाओ तो उससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो, उस पर किसी भी तरह का मेकअप भी ना हो या कोई प्रोडक्ट भी लगा ना हो। गैस मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया था, अब मैं अपने फेस पे ये फेस पैक लगा के दिखाती हूँ। थोड़ा मिजी हो सकता है गाइस, को 20 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा रहने दे रही हूँ और ड्राई होने दे रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लूंगी। 20 मिनट हो चुका है, अब मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश करके आती हूँ नॉर्मल वाटर से, उसके बाद अपने फेस को दिखाती हूँ। बाय। तो गाइस मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, आप देख सकते हो। गाइस अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम आप वीक में एक बार ज़रूर इस होम रेमेडी का यूज़ ज़रूर करना अपने फेस पे, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गाइस ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टिप्स है जो मेरी स्किन, जो मैंने अपने फेस पे यूज़ किया और डेफिनेटली मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला इसको यूज़ करने से। तो मैं आपको कहूँगी कि आप भी इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, यूज़ करें, डेफिनेटली आपको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी स्किन ब्राइट और ग्लोइंग भी दिखेगी। गाइस आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस।